लो भाई आ जाओगी बारिश स्टार्ट। आज तो ओले पड़ रहे हैं। अभी हम आए जयपुर में हसनपुरा में और ये देखो कितनी बारिश हो रही है और ये आवाज़ देख सक सुन सकते हो आप ओलों की। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मंडे जमदार ब्लॉग्स में। आज हम जाएंगे कन्नू को लेने हैं उसकी नानी के घर और हमें निकल गया हूँ। पहले मैं जाऊँगा वैशाली, वैशाली से होता हुआ जाऊँगा हसनपुरा, वहाँ एक एसी ड्रॉप करनी है और उसके बाद निकलेंगे कन्नू के पास। तो आओ चलते हैं, आज देखते हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको आज का मौसम कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अच्छा बाहर निकलने का अच्छा है, संडे भी आज घूमने के लिए हो जाएगा और ये ग्रीनरी के साथ हम वैशाली ट्रिप से जा रहे हैं हसनपुरा। यहाँ से हम हसनपुरा जाएंगे और ये एसी है उसको वहाँ छोड़ देंगे देर के लिए, फिर उसके बाद निकलेंगे हसवाल। तो लोग भैया हसनपुरा आ गए हैं और अभी भैया खाना खाने गए हुए हैं, तभी आएंगे। जब तक हम यहाँ पे NBC की फैक्ट्री है वहाँ पे वेट करना है, फिर उनको AC देके हम चलेंगे। अरे यार आज तो जगतपुरा भी जाना था, AC का बिलो लाना था, तो सब पहले चलेंगे जगतपुरा फिर उसके बाद चलेंगे कन्नू के पास। तो अपने को यहीं रुकना है NBC के मेन गेट के पास, यहीं रुकते हैं। आपने सुना ही होगा NBC बेयरिंग की कंपनी है, जो इतने भी बेयरिंग यूज होते हैं ये उसकी कंपनी है। इसके इस गेट पे हमें रुकना है, वेट करना है, वो भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे। जब तक देखो ये है हसनपुरा, दिखाता हूँ आपको। आगे जाते हैं सोडा आ जाएगा, जो अजमेर रोड के लिए एलिवेटेड रोड आ रही है वो सामने है वही। तो चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, फिर AC छोड़ के फिर चलेंगे अपन। ये सैमसंग का है, ये इंडोर है, ये ख़राब हो गया, इसमें लीकेज आ रही है। इसकी लीकेज को दूर करने के लिए आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा सैमसंग का ये। तो ये भी है यहाँ AC की शॉप है, तो भी हम यहाँ छोड़ देते हैं। और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है यार, आज तो सच में घूमने वाला मौसम हो रहा है। घर खाना खाने गए और अभी यहाँ तो ओले ओले सब पड़ रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश के साथ साथ आज तो ओले भी आ गए, ओले पड़े हैं अभी यहाँ पे, छोटे छोटे पड़े, ज़्यादा बड़े तो नहीं पड़े। अरे बारिश भी बहुत तेज़ आ गई आज तो, और अभी अगर कुछ सुनाई नहीं जा रहा, ज़ोर ज़ोर से ओले पड़ रहे थे। तो देखो आपको भी अगर मौसम का मज़ा लेना है तो अभी तो मौसम जयपुर में बहुत अच्छा है, बोरिया बिस्तर उठाओ और घूमने के लिए आ जाओ, जयपुर है ही अच्छी जगह। तो देखते हैं भैया कितनी देर में आते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं आगे भी कैसे ही ना। आज ऐसा माहौल रहा तो आगे तो जाम भी लग सकता है ना। तो लो भाई AC दे दिया उनको सही होने के लिए, और अब आ गए हम भाई रेलवे स्टेशन। अब इधर से चलेंगे जगतपुरा के लिए। बारिश का हाल बहुत ख़राब है, लोग परेशान हो गए हैं, और अपन चलते हैं जगतपुरा के लिए, फिर मिलते हैं वहाँ पे कूलर मार्केट। अब हम जा रहे हैं इधर से, ये इधर PWD का ऑफिस आ गया, सार्वजनिक निर्माण भवन का, और ये आ गया जयपुर क्लब। अगर आप जयपुर क्लब का नाम सुना तो ये जयपुर क्लब है, और ये आगे आगे सिविल लाइंस। जो लोग क्लब, इसके लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती है जयपुर क्लब के लिए। तो और ये सामने अब सिविल लाइंस है, हम सिविल लाइन से जाते हुए सीधा छोटाला होते हुए निकलेंगे जगतपुरा के लिए। चलो देखते हैं, मिलते हैं, दिखाता हूँ आपको और जयपुर। और ये जा रहा है अजमेर रोड के लिए फ्लाईओवर, ये सीधा अजमेर MI रोड से चढ़ता है और ऊपर जाता है अजमेर गेट तक, अजमेरी रोड तक। ये भाई हम आ गए सिविल लाइन, ये इधर मुख्यमंत्री आवास आ जाएगा, सामने 22 गोदाम, और राइट जाएंगे तो सोडाला। अब अपन सिविल लाइन्स, अब यहाँ से अपने पकड़नी है सोडाला के लिए, सोडाला होते हुए हम जाएंगे सीधा WTP होते हुए। ये आगे मेट्रो, ये सोडाला के लिए घूमती है, और यहाँ से हम गोपालपुर वाली रोड पकड़ेंगे। यहाँ पुलिस वाले हैं, चालान काट रहे हैं, बरसात हो रही है पर चालान तो कट रहा है लोगों के। तो ये देखो ये है मेट्रो के पिलर आ रहे हैं, पहले जो थी एलिवेटेड रोड थी, ये मेट्रो है, ये सोडाला चांदपुर तक जाती है। फिर अपन मिल गया गुजर की थड़ी, ये रोड जाके मिलती है गुजर की थड़ी, यहाँ से हम लोग जाएंगे गोपालपुरा पुलिया,
और फिर वहाँ से लेंगे जवाहर सर के लिए टर्न। ये देखो ये जो न्यू सांगानेर रोड के ऊपर बनी है पुलिया है, इससे हम आ गए इधर जवाहर सर की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे मिलेगी अपने न्यू मैरियट होटल, अगर आपने सुना होगा इसके पास ही अपने जैगवार और लैंड रोवर का शोरूम है। ये देखो अगर आपको जैगवार लेनी है तो जवाहर सर के पास मैरियट होटल है, उसके पास है इसका शोरूम। और ये देखो जयपुर की बरसात के बाद जयपुर की ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है। ये जवाहर सर खिला गया, रोज रोज बरसात होती थी पर इस बार बरसात ज़्यादा हो रही है। इस बार मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि हर 2-3 दिन में बरसात होती है। और ये देखो अभी इधर से होते निकलेंगे अक्षय पात्र मंदिर के लिए, अपने को जाना कूलर मार्केट जो न्यू ज्ञान विहार रोड पर है SBI के पास में। वहाँ ज़्यादा काम नहीं है, वहाँ ये बस AC लेके गया था, उसका बिल लेना है। देखो पत्ते का गेट, बरसात हो रही है तो लोग आराम से घूमने निकला है, आज संडे भी है। अब यहाँ से रिमोट लेने के बाद हम चलेंगे ससुराल। अब फ़ोन में ज़्यादा बैटरी नहीं है, भूल गया बैटरी चार्ज करना, इसलिए वहाँ की वीडियो नहीं बना रहा, पर शाम का जो कुछ मोमेंट है वो दिखा देता हूँ। ये देखो गुणी, बरसात में घाट की गुणी में इसे वो कितना प्यारा लुक आ रहा है, और आज क्राउड भी नहीं है, संडे है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बरसात में जयपुर घूमो तो एक अलग ही नज़ारा मिलता है। ये देखो अलग ही रोशनी है आसमान में, और काफ़ी प्यारा मौसम बन रहा है, पहाड़ियाँ है इस कारण यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू भी बना हुआ है। अब आज तो सारा दिन बारिश में निकल गया, और ये देखो बारिश के बाद अब कन्नू को तो ले आया था मैं साथ, कन्नू मेरे साथ है, अब हम सीधे घर जा रहे हैं। पर ये देखो ये जो नीचे आते हैं इसमें गोनी से पहले ये, तो अगर आप भी जयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अभी भी बारिश हो रही है और आप आराम से जयपुर आने का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में घूमने में दिक्कत होती है, पर जब बारिश होती है तो यहाँ ठंड रहती है और घूमने में भी अच्छा होता है। देखो अगर आप फोटोग्राफी करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो भी ये मौसम बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज तो मैं ऐसे फ्री ब्लॉग ही बनाया, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, पर मैं घूम रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ व्यू रिकॉर्ड कर लूँ जिससे कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि जयपुर में अगर आप घूमने आते हो तो कौन सा मौसम सबसे बढ़िया रहता है। ये देखो एल्बर्ट हॉल है, आज संडे होने का यहाँ भीड़ नहीं है, पर इसका लुक देखना आप। इस मौसम में ये काफ़ी अच्छा है लगता है, गर्मी में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है बैठने में, यहाँ खड़े होने में डस्ट भी ज़्यादा होती है, पर यह जो बरसात हो जाती है ना उसके बाद यहाँ की जो लाइटिंग है वो खिलकर अलग से दिखती है। देखो आप देख सकते हो कितनी अच्छी लाइटिंग है। तो जब भी आप प्लान बनाओ तो बारिश में एक बार ज़रूर आना, जयपुर अलग ही दिखेगा आपको। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और लाइक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।